हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी अबाउट टाइप्स ऑफ हैबिटेट द इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ हैबिटेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट लाइक एक्वेटिक हैबिटेट हमने एकवेटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ा था हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ा था टेरेस्ट्रियल में हमने डेजर्ट हैबिटेट के बारे में पढ़ा था नाउ वी विल सी सम सम मोर टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑफ एनिमल्स आज हम कुछ और हैबिटेट पढ़ेंगे एनिमल्स के तो स्टार्ट करते हैं वेलकम टू शिवांगी जायसवाल क्लासेस वी विल स्टार्ट विद एरियल लाइफ एरियल से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एरियल का मतलब होता है एयर एरियल का क्या मतलब होता है एयर तो एयर से आप ये समझ पा रहे होंगे कि एयर इन द सेंस कि वो एनिमल्स जो मैक्सिमम टाइम जो है वो एयर में रहते हैं या उनकी जो पूरा लाइफ है जो रहने की जगह है वो क्या है एयर और एयर जब भी हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है बर्ड्स का नाम आता है तो या फिर हम कहें कि ओनली बर्ड्स ही ऐसे एनिमल्स uh, हैं ऐसे प्राणी हैं जो कि हवा में रहते हैं इनका मैक्सिमम लाइफ क्या है हवा में uh, बीतता है एयर में बीतता है अब बात ये करते हैं कि हाउ दे कैन सर्वाइव इन एयर मतलब ये हवा में क्यों उड़ पाते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर ऑन अर्थ वी आर ऑल्सो एनिमल्स बट वाई वी कैन नॉट फ्लाई इन एयर वाई बर्ड्स कैन फ्लाई ओनली फ्लाई सो देर देर आर सम समेसन कुछ बॉडी में ऐसे उनके चेंजेस होते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं उस एयर के इन्वायरमेंट को या फिर उस एयर के वाले हैबिटेट पे अडाप्ट कर पाते हैं अपने आप को उसके अनुकूल बना पाते हैं तो क्या अडेप्टशंस हैं वॉट आर द एडेप्टंस ठीक है वॉट आर द एडाप्टशंस अगर हम एडेप्टशन्स की बात करें तो क्या अडेप्टेस हैं बर्ड्स के जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में इस एयर में रह पाते हैं तो अगर हम बर्ड की बॉडी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है वन मिनट वन मिनट ओके सबसे पहली बात आती है अगर आप इस बर्ड को देख पा रहे होगे तो ये देखिए अगर आप बर्ड की बॉडी को देखोगे तो इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है स्ट्रीम बॉडी होती है स्ट्रीम बॉडी इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम होती है यानी कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो स्ट्रीम बॉडी होती है स्ट्रीम बॉडी क्या होती है स्ट्रीम बॉडी वो होती है जब कोई बॉडी अ बॉडी विच टैपर्स एट बोथ द एंड्स यानी कि ये एंड और दोनों ही एंड पे देखिए तो ये क्या है टैपरिंग एंड है यानी कि शार्प है ठीक है बीच में वो ब्रॉड है लेकिन एंड में जाकर क्या हो जा रहा है शार्प हो जा रहा है यानी कि नुकीला हो जा रहा है तो इस तरह की जो बॉडी होती है उसको स्ट्रीम बॉडी कहते हैं और स्ट्रीम बॉडी जो होती है वो क्या होती है इसका फ़ायदा क्या होता है ठीक है स्ट्रीम बॉडी बॉडी होने से ये कैसे ये अडेप्टन कैसे कैसे ये एक तरह का अडेप्टशन है कैसे मानोगे आप देखो क्या होता है जब आप हवा में हो ठीक है हवा में हो मान लो ये स्ट्रीम बॉडी है बर्ड की आप हवा में हैं तो एयर जो है एयर इसकी तरफ प्रेशर लगाएगा इसको पुश करेगा ठीक है पुश करेगा पीछे ढकेलेगा यानी कि फ्लाइट को फ्लाइट को क्या करेगा इनहिबिट करेगा फ्लाइट को क्या करेगा इनहिबिट करेगा ये जो एयर है यानी कि जब ये हवा में उड़ते हैं तो हवा का भी कुछ फोर्स होगा कुछ प्रेशर होगा ये जो हवा का प्रेशर है ये क्या करेगा ये इसकी फ्लाइट को इनहिबिट करेगा यानी कि उड़ उर, उड़ने नहीं देगा एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इनहिबिट होगे यानी कि इनको रोकेगा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा सच टाइप ऑफ फोर्स इसको हम क्या बोलते हैं ड्रैग फोर्स कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं ड्रैग फोर्स कहते हैं ठीक ड्रैग फोर्स कहते हैं ड्रैग फोर्स क्या है ड्रैग फोर्स इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स ठीक है एक तरह का रजिस्टेंस फोर्स है ठीक है इनहिबिटरी फोर्स है रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि क्या कर लगता है बर्ड्स बोड़ की बॉडी पे लगता है अब मान लो कि इनकी बॉडी ब्रॉड होती ठीक है ब्रॉड होती तो सारे एरिया पे लगता सारे एरिया पे ये रेजिस्टेंस फोर्स लगता है ड्रैग फोर्स लगता और अगर सारे एरिया पे ये ड्रैग फोर्स लगता तो क्या ये इस तरीके से फ्लाई कर पाते हैं क्या ये फ्लाई कर पाते हैं नहीं नहीं कर पाते क्योंकि अमाउंट ऑफ़ फोर्स अमाउंट ऑफ ड्रैग फोर्स ड्रैग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और जब इनहिबिटरी यानी रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा होता तो कभी भी उड़ नहीं पाते लेकिन अगर बॉडी उनकी इस तरह से है स्ट्रीम है तो आप देखो खुद जो अमाउंट ऑफ रजिस्टेंस फोर्स है वो क्या है वो कम है इन कंपेरिजन टू दिस तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है जो ड्रैग फोर्स है उसको डिक्रीज करती है ना इट डिक्रीजेज इट डिक्रीजेज दी ड्रैक फोर्स ठीक है ड्रैग फोर्स को कम करती है इसको कम करती है जिसकी वजह से ये इजिली फ्लाई कर पाते हैं इन एयर तो स्ट्रीम लाइन बॉडी एक बहुत बड़ा एडेप्टन है स्ट्रीम लाइन बॉडी एक बहुत बड़ा एडेप्टन है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा एडेप्टन है नेक्स्ट बात करते हैं और क्या एडाप्टेशन देखने को मिलता है हमको बर्ड्स में ठीक तो अगर आप बोन्स की बात करो इनके जो बोन्स होते हैं ना बोन्स आर लाइट इन वेट बोन्स आर लाइट इन वेट इनके जो बोन्स होते हैं वो उनका वेट जो होता है वो बहुत कम होता है बोन्स का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है या फिर हम कह सकते हैं दे हैव हाँ हॉलो बोन्स ठीक है हॉलो बोन्स यहाँ हम ये यह कह सकते हैं कि इनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं हॉलो बोन्स होते हैं उसमें हॉलो इन देंस कि अगर आप बात करोगे ह्यूमन बोन की अगर हम अपने बोन्स की बात करें तो हमारा बोन जो है वो अंदर से हॉलो नहीं होता खोखला नहीं होता है ठीक है ठीक इसमें एयर एयर जो है वो बहुत बहुत मतलब लेस होता है बहुत ही रेयर अमाउंट होता है स्पॉन्जी बोन का तो बहुत लेस अमाउंट फेयर होता है स्पेस तो 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 कम होता है लेकिन अगर आप बर्ड्स के बोन की बात करो तो ये अंदर से हॉलो होता है यानी कि स्पॉन्जी बोन होते हैं इसमें जैसे आप स्पंज को देखते हो तो उसमें क्या होता है एयर स्पेस बहुत होता है तो इनके जो बोन होते हैं दीज बोन्स आर स्पॉन्जी बोन्स तो इनमें जो एयर स्पेस होता है एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि ये कह सकते हैं कि स्पेशियस होते हैं हॉलो होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है इनका वेट जो होता है लाइट होता है और लाइट वेट होने की वजह से क्या होता है ये इसको फ्लाइट में सपोर्ट करता है उड़ने में सपोर्ट करता है तो इनमें क्या होते हैं स्पॉन्जी बोन्स होते हैं ठीक है तो बोन भी उनको फ्लाइट में सपोर्ट करता है नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बर्ड्स में आप देखते हो उनके पास एक स्पेशल फीचर होता है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विच आर कॉल्ड विंग्स ठीक है जिनको हम विंग्स बोलते हैं तो एक्चुअली में ये विंग्स कहाँ क्या होते हैं अगर आप ह्यूमन बिंग्स में देखो अगर हम अपने बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो हाथ हैं ठीक है हमारे पास दो हाथ हैं दो पैर हैं ठीक है तो ये जो मूविंग स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल्स में मूवमेंट प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं लिम्स ठीक है इनको हम बोलते हैं लिम्स ये जो मूवमेंट प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स इनको हम बोलते हैं लिम्स अब ये जो लिम्स होते हैं ठीक है ये दो तरह के होते हैं एक होता है फोर लिम्स और दूसरा होता है हैंड लिम एक होता है फोर लिम और दूसरा होता है लिम फोर लिम्स मतलब जिसको हम हैंड एज अ हैंड कंसीडर करते हैं फोर लिम्स हम किसको कहते हैं हैंड को अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें अगर हम अपने केस में बात करें तो फोर लिम इन द सेंस हैंड को कंसीडर करते हैं और हैंड लिम हम किसको कंसीडर करते हैं लेग को ठीक है तो ये जो हैंड्स हैं इन केस ऑफ ह्यूमन ये फोर लिम्स जो होते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स देख मॉडिफाइड इंटू विंग्स ये क्या बन जाते हैं विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं और विंग्स बनाते हैं ठीक है तो ये क्या बनाते हैं विंग्स बनाते हैं और इन विंग्स की वजह से इन विंग्स की वजह से क्या होता है इन विंग्स में क्या होते हैं किस क्या होता है फैदर होता है ठीक है क्या होता है फैदर होता है अब ये फैदर क्या करता है ठीक है तो हम लिख सकते हैं फोर लेम्स फोर लेम्स आर मॉडिफाइड इंटू आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस विंग्स पर क्या होते हैं इन विंग्स पर ये विंग्स पे क्या होते हैं फैदर होते हैं और ये फैदर क्या करते हैं फैदर्स हेल्प इन फ्लाइट उड़ने में मदद करते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट इन वेट होते हैं एज वेल एज इनके साथ साथ इनका और भी काम क्या होता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैदर ऐसा नहीं कि एक ही तरह के फैदर होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैदर इन बॉडी इन विंग में उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैदर होते हैं एंड समिफरेंट टाइप ऑफ फैदर है कुछ फ्लाइट में हेल्प करते हैं और कुछ हैं। उनके टेम्परेचर एज वेल एज एज वेल एज सॉरी हाँ एज वेल एज मेंटेन एज वेल एज मेंटेन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं ठीक है तो फैदर्स क्या करते हैं फ्लाइट में भी हेल्प करते हैं और टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं ठीक है और अगर हम बात करें तो और क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या अडेप्टशन देखने को मिलते हैं इनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं एयर सैक्स क्या होते हैं अब ये बात आएगी कि ये सैक्स क्या होते हैं ठीक है तो सेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेक्स क्या होते हैं सेक्स होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी में ठीक है तो मैं कुछ एरिया इधर इरेज करती हूँ तो फिर बेटर होगा इसको समझना ठीक है हम एयर सेक्स को यहाँ डिस्कस कर लंग्स में क्या होता है इनके इनके लंग्स जो होते हैं लंग्स हैव एयर सैक्स ये भी एक इंपॉर्टेंट अडेप्टन uh, है बर्ड्स में ये अडेप्टेशन कैसे होते हैं जैसे आप सैक की बात करो तो सैक क्या होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत थिन और फ्लेक्सिबल होती है ठीक है तो सैक क्या होता है एयर सैक क्या होते हैं अब पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाउच लाइक स्ट्रक्चर ना, विद फ्लेक्सिबल थिन मेम्ब्रेन, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन और फ्लेक्सिबल एंड थिन मेम्ब्रेन, ठीक जो अंदर से क्या होता है हॉलो होता है जिसमें एयर जो होता है वो इजिली फिल हो जाता है तो ये जो लंग्स में जो एयर सेक्स होते हैं ये भी क्या करता है इनको फ्लाइट में सपोर्ट करता है क्योंकि ये हल्का हल्का होता है ठीक है और एक एडेप्टन देखें तो इनकी जो स्टर्नम होती है स्टर्नम जो होती है स्टर्नम इज ब्रॉड ठीक है स्टर्नम जो होती है वो ब्रॉड होती है अब बात आएगी कि स्टर्नम क्या होती है तो स्टर्नम जो हमारा ब्रेस्ट बोन होता है या जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं स्टर्नम स्टर्नम जो है वो हमारा चेस्ट बोन है ठीक है तो चेस्ट बोन इनका ब्रॉड होता है जिसकी वजह से ये भी एक तरह से फ्लाइट में सपोर्ट करता है उड़ने में हेल्प करता है तो दीज आर सम एडेप्टशंस इन बर्ड्स जो इनको हेल्प करता है उड़ने में अब हम बर्ड्स के कुछ और भी बारे में जान लेते हैं जैसे कि अब बात करते हैं हम फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में तो नाम से ही पता चल रहा है फ्लाइट मतलब ऐसे बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते ठीक है सो दोज बर्ड्स दोज बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई विच कैन नॉट फ्लाई ऐसे बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते हैं सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेट्स बर्ड्स अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा ऑस्ट्रिच का और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग और हम ले सकते हैं कीवी का एग्जाम्पल ठीक है किवी भी एक बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई दीज आर कंसिडर्ड एज अ फ्लाइटलेस बर्ड तो ऑस्ट्रिच को आप देख पा रहे हो कितना बड़ा बर्ड है तो एक और बात इसके बारे में बता दूं आपको कि ऑस्ट्रिच जो है एक मिनट ठीक है ऑस्ट्रिच जो है इट इज दी इट इज लार्जेस्ट लार्जेस्ट बर्ड ठीक है इसको हम लार्जेस्ट बर्ड कंसीडर करते हैं इट इज़ दी लार्जेस्ट बर्ड सबसे बड़ा बर्ड है लेकिन ये फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आता है ये उड़ नहीं सकता वेट देख सकते हो और इसका एग भी जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है या हम इसको कह सकते हैं लार्जेस्ट एग ठीक है लार्जेस्ट एग इसका एग भी जो है वो सबसे बड़ा एग कंसीडर किया जाता है सबसे बड़ा बर्ड और सबसे बड़ा एग जो है वो ऑस्ट्रिस का ही होता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉक्चुरल एनिमल्स के बारे में नॉक्चुरल एनिमल्स क्या होते हैं डोज एनिमल्स डोज एनिमल्स विच आर एक्टिव विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट ड्यूरिंग नाइट यानी इनका जो नाइट विजन है ठीक है इनका जो नाइट विजन है नाइट विजन इनका काफी हाई होता है यानी कि ये डिम लाइट में नाइट में क्या होता है डिम लाइट होती है सनलाइट तो होती नहीं मून लाइट होती है मून की लाइट होती है तो इस नाइट नाइट विजन इनका बहुत स्ट्रांग होता है यानी कि इतनी डिम रोशनी में भी ये अच्छे से देख पाते हैं तो ये एनिमल्स जो होते हैं वो नाइट टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू डे जैसे कि आप देख सकते हो आउल जो है आउल जो होता है वो आपको नाइट टाइम में ज़्यादा अच्छे से विजुअल बैट जो है ये भी एक नॉक्चूनल एनिमल है तो नॉक्चूनल एनिमल्स वो होते हैं जो नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं ठीक है ठीके? इनका नाइट विजन स्ट्रांग होता है इनका जो नाइट विजन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है ठीक है तो आउल है बैट है और आपके एग्जाम्पल ले सकते हो एग्जाम्पल एक और मैं बता दे रही हूँ बुश बेबीज बुश बेबीज बुश बेबीज जो होते हैं इनको हम और क्या बोलते हैं इनको हम नाइट मंकी भी बोलते हैं ठीक है इनको हम नाइट मंकी भी बोलते हैं ठीक है और ये कहाँ देखने को मिलते हैं ये हमको ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं ठीक है ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं बुश बेबीज तो इनके आप यूजुअली देखोगे तो जो नॉक्चूनल एनिमल्स होते हैं उनकी जो आइज होती हैं ठीक है आईज देख रहे हो ये काफ़ी लार्ज होती हैं बुश बेबीज़ के केस में भी इनके आईज जो होते हैं वो लार्ज होते हैं यानी कि इनका जो आईज का वो पार्ट कौन सा पार्ट कॉर्निया वाला पार्ट जो होता है कॉर्निया वाला पार्ट जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आइज़ के अंदर एंटर कर सके और ये अच्छे से देख पाए डिम लाइट में भी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं डायू यूरनल एनिमल्स डाय यूरनल एनिमल्स वो होते हैं दोज एनिमल्स दोज एनिमल्स विच आर एक्टिव विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम ठीक है विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम ऐसे एनिमल्स जो डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको डायोरनल एनिमल्स कहते हैं और मैक्सिमम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अब नॉक्चुरल और डायरनल में एक चीज समझो अगर मैं कह रही हूँ कि डे टाइम में एक्टिव होते हैं इन द सेंस कि उनको आप डे टाइम में ही एक्टिव देखोगे नाइट में आप उनको नहीं देखोगे जैसे स्क्वारल्स की बात करें तो आप स्क्वार को नाइट टाइम में नहीं देखोगे कि वो नाइट में विजिबल हो रहे हैं रेयर ही आपको कभी स्क्वारल नाइट में दिखेगा ठीक है जो दिन में एक्टिव होते हैं ठीक है तो दीज आर कंसिडर्ड एज अ डायरनल एनिमल्स ठीक है अब हम बात करेंगे मेटा यूरनल के बारे में मेटा एनिमल्स क्या होते हैं मेटा एनिमल्स वो होते हैं डोज एनिमल्स डोज एनिमल्स ऐसे एनिमल्स डोज एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो दिन में और रात में दोनों में ही ये एक्टिव होते हैं यानी कि इनको डिम लाइट में भी देखने की एबिलिटी है और आ, ब्राइट लाइट यानी दिन में जो क्या होती है ब्राइट लाइट होती है दोनों में ही देखने के लिए एबल है जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या आता है कैट आता है कैट को अगर आप देखो तो आपको नाइट में भी विजिबल देख नहीं सकते हो और दिन में भी वो आपको देखेंगे क्यों क्योंकि इनके आईज की जो कैपेसिटी होती है वो इस तरह से इनका आई बना होता है कि वो दिन में भी अच्छी यानी ब्राइट लाइट को भी सर्वाइव कर सकता है और डिम लाइट को भी सर्वाइव कर सकता है तो सच एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज मेटा जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं हमको डिम लाइट में छोड़ दिया जाए तो हम प्रॉपर नहीं देख पाएंगे बट जो कैट्स होती हैं ये डिम लाइट में भी देख सकती हैं और ब्राइट लाइट में तो दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं मेटा यूरल एनिमल्स कहते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम अब नेक्स्ट लाइफ की अर्बोरियल लाइफ अर्बोरियल का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स विच लीव विच लीव ऑन ट्री ऐसे एनिमल्स जो अपना लाइफ uh, का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट या मैक्सिमम पार्ट जो है वो पेड़ पर रहकर बिताते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं जैसे कि सबसे अच्छा गुड एग्जाम्पल क्या है मंकी है मंकी के अलावा आप और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो स्क्वास स्क्वास भी आपको कहाँ दिखेंगी uh, ट्री पर दिखेंगी और क्या देख सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका पूरा लाइफ जो होता है वो या लाइफ का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो कहाँ ट्री पर बीतता है कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं एंड सम बटरफ्लाइज़ आल्सो बटरफ्लाई भी आपका इंसेक्ट की कैटेगरी में ही आ जाएगा तो कुछ बटरफ्लाइज भी होते हैं जो क्या करते हैं ट्री पर रहते हैं सो so, ऐसे एनिमल्स जो इनका मैक्सिमम लाइफ जो है वो ट्री पर बीतता है इनको हम अर्बोरियल एनिमल्स या इनकी इन ऐसे लाइफ को हम अर्बोरियल लाइफ या है। इनके हैबिटेट को अर्बोरियल हैबिटेट कहते हैं ठीक है ठीके? और क्या एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम एक स्पेशल एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें कोआला बियर कोआला बियर आपने नाम भी सुना होगा ये बियर की एक वैरायटी है कोआला बियर एक बियर की वैरायटी है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी ऑस्ट्रे कुछ टाइम पहले पिछले साल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी तो काफ़ी ज़्यादा कोआला बियर जो हैं वो इंजर हो गए थे या उन, उनकी डेथ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन उनका अफेक्टेड हुआ है और ये, ये जो है अगर हम कोआला बियर की बात करें तो ये जो है ये अप, आ, अपना मैक्सिमम लाइफ अगर मैं आई थिंक मैंने यहाँ बनाया भी है आप देख सकते हो ये कोआला बियर है कितना क्यूट सा है सो तो ये ये जो है ये अपना पूरा लाइफ जो है यूके लिप्टस ट्री पर बिताता है ठीक है कहाँ रहता है यूके लिप्टस यूके लिप्टस ट्री आपने देखा होगा यूके लिप्टस लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्री आई थिंक यूके लिप्टस ट्री माना जाता है तो यूके लिप्टस ट्री पर ये अपनी पूरी लाइफ बिता देता है यानी कि पूरा का पूरा जीवन जो है वो लगभग इसका बारह से तेरह या चौदह साल तक की इसकी उम्र होती है एज होती है लाइफ स्पैन होता है उस लाइफ में ये पूरा का पूरा लाइफ यू के लिप्ट स्ट्रीपर ही बिताता है और वही उसी की लीव्स को खाकर जीता है तो कितना अमेजिंग है क्वाला बियर ठीक है ये भी एक एक्सटेंट एक स्पीसीज़ है एक्सटेंट स्पीसीज़ क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया है एक्सटेंट स्पीसीज ठीक है और ये एक हरबी है यानी कि सिर्फ़ प्लांट्स को ईट करता है सिर्फ प्लांट्स को ईट करता है कौन सा प्लांट यूके लिप्टस की लीव्स को ईट करता है यू के लिप्टस की लीव्स को ईट करता है सिर्फ और सिर्फ यूके लिप्टस की लीव्स को ईट करता है और कुछ ईट नहीं करता और पूरा जीवन ये एक प्लांट अगर मान लीजिए फिनिश हो गया उसकी लीव्स तो वो दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो जाएगा और पूरी लाइफ प्लांट पर ही यानी कि यूके लिप्टस ट्री पर ही पूरी लाइफ बिता देता है आगे बात करते हैं हम माइग्रेटरी एनिमल्स की अब बात यह आती है कि माइग्रेटरी एनिमल्स क्या होते हैं उससे पहले हम समझेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है ठीक है माइग्रेशन क्या होता है देखिए माइग्रेशन क्या होता है इस बात को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए क्यों पहले आप माइग्रेशन समझो देखो माइग्रेशन क्या होता है जब एक एनिमल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है ठीक है इन अ पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम में एक एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है अब ये मूवमेंट क्यों होगा आप क्यों मूव करोगे आप अपना घर छोड़कर आप अपना अच्छा प्लेस छोड़कर क्यों जाओगे क्यों मूव करोगे तो उसका रीज़न देखो क्या हो सकता है पहला तो आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है खाने को नहीं है हो सकता है आपकी फ़ूड अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर ठीक है या फिर क्लाइमेट कंडीशन यानी कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सूटेबल नहीं है ठंड पड़ने लगी आप गर्मी में रहने वाले एनिमल और ठंड पड़ने लगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे या बारिश होने लगी तो इन्वायरमेंटल कंडीशन या क्लाइमेट आपके आ, सपोर्ट में नहीं है तो आप मूव करोगे ठीक है या फिर रिप्रोडक्शन के लिए क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके इनके उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए जो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल पे तो रिप्रोडक्शन पर्पज से के लिए भी माइग्रेशन uh, होता है यानी एनिमल्स मूव करते हैं तो माइग्रेशन क्या है uh, ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ठीक है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे माइग्रेशन वाई वाई एनिमल्स माइग्रेट वाई एनिमल्स माइग्रेट क्यों माइग्रेट करेंगे वो ऐसे एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं उनको हम माइग्रेटरी एनिमल्स कहेंगे ठीक है लेकिन ये एनिमल्स माइग्रेट क्यों करेंगे भाई क्यों क्या रीज़न है कि ये माइग्रेट करेंगे देखिए माइग्रेशन का रीज़न क्या हो सकता है ठीक है फूड uh, ठीक है फूड एक बहुत बड़ा रीज़न है दूसरा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन भाई रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आगे की जनरेशन कैसे चलेगी पॉपुलेशन कैसा इंक्रीज होगा उनके आगे कैसे वो नंबर्स कैसे इंक्रीज करेंगे ठीक है तो फूड रिप्रोडक्शन और क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है और क्लाइमेटिक कंडीशन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से एनिमल्स माइग्रेट करते हैं ठीक है तो आ, अगर हम आगे बात करते हैं माइग्रेशन में तो कौन कौन से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं देखिए माइग्रेट कब करते हैं देखो दो चीज़ें होती हैं या तो वो हाइबरनेट कर जाएँ यानी कि वो डीप स्लीप में चले जाएँ अगर वो डीप स्लीप नहीं कर सकते अगर वो वो पॉसिबल नहीं है तो ऐसे एनिमल्स क्या करेंगे माइग्रेट कर जाएंगे ठीक है क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन नहीं कर पाएंगे क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है फ़ूड नहीं मिल पाएगा तो भाई मरने से बेटर है कि आप वहाँ जगह छोड़ के चले जाओ तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बहुत सारी फिशेस होती हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सालमन का नाम बताया था कि सालमन क्या करती है फ़्रेश वाटर में पैदा होती है और फिर वो सी वाटर में मूव कर जाते हैं और वापस फिर वो फ्रेश वाटर में आते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए और फिर जब उनके बेबीज आते हैं तो वापस से वो सी वाटर में मूव कर जाते हैं तो सालमन एक फ़िश है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माइग्रेशन का बहुत सारे फिशेज़ माइग्रेट करती हैं ठीक है और हम किसकी बात कर सकते हैं और अगर हम एग्ज़ाम्पल में लेंगे तो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स और बर्ड्स में माइग्रेशन बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है सम इंसेक्ट्स कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं ठीक है सो so, ये कुछ माइग्रेशन के एग्जाम्पल हैं अब हम बर्ड्स में कुछ बर्ड्स की बात कर लेते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन जो कि इंडिया में देखने को मिलता है आप देखे होंगे कि साइबेरियन क्रेन को आप मूव करते हुए देखे होंगे वन प्लेस टू अनदर गंगा के पास आपने देखा होगा गंगा रिवर के पास आपने देखा होगा साइबेरियन क्रेन जो क्या करते हैं ये मूव करते हैं यानी कि माइग्रेट करते हैं ठीक और एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो आर्कटिक टर्न आर्कटिक टर्न ये बर्ड आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे आर्कटिक टर्न को ये क्या करता है ये काफ़ी लंबा माइग्रेशन तय करता है यानी कि बहुत ही माइग्रेटरी ये एक तरह का माइग्रेटरी एनिमल है माइग्रेटरी एनिमल है या माइग्रेटरी बर्ड है और हम कह सकते हैं कि सबसे लार्ज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाला आ, जो बर्ड है वो आर्कटिक टर्न ही है सबसे ज़्यादा जो लेंथ रिक कवर करता है लंबाई कवर करता है वो आर्कटिक टर्न है लगभग वन लैख सेवेंटी फ़ाइव थाउजेंड वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके ये कहाँ से कहाँ जाता है ये कहाँ से कहाँ जाता है आप देख सकते हो मैप में अगर ये वर्ल्ड का मैप मैं शो करती हूँ अगर मैं वर्ल्ड का मैप शो करती हूँ तो यहाँ आपको अंटार्कटिका दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये आर्कटिक टर्न होते हैं ठीक है थीके? ये आर्कटिक टर्न इस एरिया में रहते हैं ठीक है और इस अंटार्कटिका वाले रीजन से ये मूव करते हैं ये जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं आर्कटिक क्वेश्चन यानी इस रीज़न में ठीक है तो ये काफ़ी लंबा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अगर हम कहें लॉन्गेस्ट माइग्रेशन देखने को मिलता है और ये अपने लाइफ में टू समर्स देखते हैं ठीक है अपने लाइफ में ये टू समर्स देखते हैं हाँ सॉरी टू समर्स देखते हैं यानी कि दो गर्मी का मौसम देखते हैं ठीक है एक बार तो ये यहाँ देखते हैं और दूसरा ये यहाँ पर यानी ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनको यहाँ से मूव करना पड़ता है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप देख सकते हो ये पोलर रीजन है पोलर रीजन है दोनों ही पोलर एक वन पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव करना है आ, कोई छोटी मोटी बात नहीं है काफी लंबा डिस्टेंस ये कवर करते हैं ठीक है थीके? तो आर्कटिक टर्न जो है ये लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है सबसे ज़्यादा माइग्रेशन के लिए अगर हम सबसे लंबा डिस्टेंस कहें तो आर्कटिक टर्न है और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो माइग्रेशन करते हैं जैसे कि अगर आप बात कर सकते हो ईल की ठीक है ईल क्या होता है ईल एक फिश है जिसको देखने में तो ये स्नेक लाइक -like लगता है ठीक है स्नेक लाइक -like लगता है देखने में ये स्नेक जैसा लगता है लेकिन ये एक फिश है ईल की अगर बात करो तो ईल भी का भी वही होता है ठीक है ये फ्रेश वाटर में होते हैं ठीक है फ्रेश वाटर में होते हैं फिर ये कहाँ जाएंगे सी वाटर में जाएंगे, ठीक है लाइक सालमन एंड देन अगेन वो कहाँ आएंगे अगेन वो फ्रेश वाटर में आएंगे अगेन वो फ्रेश वाटर में आएंगे, ठीक है तो इस तरीके से ये क्या करते हैं माइग्रेशन uh, करते हैं ठीक और हम क्या बात कर सकते हैं और हम बात करें uh, किस की? तो अगर हम एलिफेंट्स की बात करें कुछ एलिफेंट्स होते हैं एलिफ़ेंट्स क्या करते हैं ग्रुप में निकलते हैं एलिफेंट्स अपने ग्रुप में निकलते हैं ग्रुप में निकलते हैं माइग्रेट करते हैं और एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हर्ड बोलते हैं हम ठीक है तो एलिफेंट्स अपने हर्ड्स में निकलते हैं और माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर ठीक और हम क्या साइबेरियन क्रेन का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया एक बटरफ्लाई होती है मोनार्क आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोनार्क ठीक है मोनार्क बटरफ्लाइज़ होती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं ये भी माइग्रेट करती हैं कहाँ से कहाँ तो माइग्रेट करती हैं ये माइग्रेट करती हैं कनाडा, कनाडा से मैक्सिको तक ये कहाँ तो से कहाँ माइग्रेट करती हैं कनाडा से मैक्सिको तक माइग्रेट करती हैं ठीक है तो वर्ल्ड मैप में आइए देख लेते हैं कनाडा कहाँ है और मैक्सिको कहाँ है ठीक है तो ये है हमारा आई थिंक इसमें तो शो नहीं हो रहा है मे बी इसमें शो नहीं हो रहा है ठीक है बट हमारा यहाँ कहीं हमारा होता है कनाडा यहाँ कहीं हमारा होता है कनाडा और इधर कहीं होता है मैक्सिको तो यहाँ से यहाँ ये माइग्रेट करते हैं ठीक है फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ठीक है तो इस तरीके से ये क्या करते हैं माइग्रेशन uh, करते हैं रीज़न क्या हो सकता है रीज़न हो सकता है फूड या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर रिप्रोडक्शन इन सब पर्पज़ के लिए बर्ड जो होते हैं माइग्रेट करते हैं क्यों माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो हाइबरनेट नहीं कर सकते अगर वो हाइबरनेट कर सकते हैं तो माइग्रेट नहीं करेंगे लाइक like अगर बियर के केस में देखें तो बियर क्या करता है बियर हाइबरनेशन में चला जाता है डीप स्लीप में चला जाता है लॉन्ग स्लीप में चला जाता है तो वो माइग्रेट नहीं करता और माइग्रेट वो एनिमल्स करते हैं जो हाइबरनेट नहीं कर पाते सो दिस इज ऑल अबाउट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स थैंक यू सो मच वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अन टॉपिक थैंक यू